अ क्राइम एनिमे ऑल अबाउट मनी हिस्ट. नो नो नॉट दैट सो एडिटर प्लीज चेंज इट. ग्रेट प्रिटेंडर. लेट्स टेक अनदर एंगल ऑन दिस शो. ये एनिमे क्राइम सॉल्व करने के बजाय क्राइम कमिट करने पे है. प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर उसे सॉल्व करने के ऊपर पैसे प्राप्त करने की. ऐसा शो जो हीस्ट मैडनेस पे बेस्ड है. शो का पूरा मकसद है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. वैसे हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज में फर्क दिख रहा होगा क्योंकि मुझे जुकाम. अरे जाइए मत, सिर्फ जुकाम है. और वीडियो तो बनानी थी तो आपको पता ही है हाउ मच आई एम हार्ड वर्कर. सो या थैंक्स. Here, ladies and gentlemen, I Prince present you the Great Pretender. Great Pretender, एक action adventure mystery comedy psychological anime है. स्टोरी फॉलोज मोकोतो एडमोरा. मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है, आप देख लेना. मोकोतो एडमोरा एक जापनीज कॉन आर्टिस्ट जिसके ज़्यादा एम्बिशंस तो नहीं है बट एक स्किल है हाथ की सफाई और एक कन्विंसिंग स्माइल. एडमोरा एक स्कैमर है जो छोटे मोटे स्कैम करता है बट एक दिन एडमोरा ने गलत बंदे को चुन लिया. लॉरेंट एक चार्मिंग कॉन्फिडेंट जेंटलमैन एंड अ प्लेयर टू. लॉरेंट की स्किल्स फार बियॉन्ड है एज कम्पेयर टू एडमोरा स्किल ऑफकोर्स इन स्कैमिंग. लॉरेंट एडवर्ड को अपने साथ लॉस एंजलिस ले आता है वो वहाँ के माफिया को एक जैपनीज कैंडी बेच सके. यस एक जैपनीज कैंडी बट एज अ फेक ड्रग. और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कहानी उतनी इंटरेस्टिंग होती है. बट द बेस्ट पार्ट इज ग्रेट प्रिटेंडर 24 एपिसोड्स लॉन्ग सीरीज है जिसमें 4 आर्क कवर किए गए हैं. फर्स्ट इन एल ए, सेकेंड लंदन, थर्ड वन सिंगापुर एंड द फोर्थ इज टोक्यो. और कमाल की बात तो ये है कि हमें हर एपिसोड में ऐसा दिखाया जाता है कि नाउ गेम इज अप बट ऐसा दिखाते हैं गेम अभी तो स्टार्ट हुआ. जैसा कि हम एनिमे के फर्स्ट आर्क एल ए कलेक्शन में देख सकते हैं जहां हमें हर एपिसोड के आखिर में लगता है कि बस खत्म पर तभी लास्ट में एक नया मूवमेंट इंट्रोड्यूस करा दें. ग्रेट प्रिटेंडर एक ड्रामेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में काबिल है और कैरेक्टर्स इनको फील होता है कि आगे क्या होने वाला है तो वो अपने प्रीवियस नॉलेज की मदद से डिस्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं एक सडन ट्विस्ट. एनिमे में आपको कहीं भी डल मूवमेंट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और ना ही फिलर. और एनिमे का हर सिंगल सीन ग्रेटर वेट कैरी करता है जो सिर्फ एक्साइटमेंट और कॉमेडिक पोटेंशियल देता है. एक और रीजन है इस एनिमे को पसंद करने का कैरेक्टर्स आर सो लाइकली. एडवर्ड अ लवेबल एंड एनर्जेटिक एंड सरप्राइजिंग कैलिबर कैरेक्टर एंड ऑल्सो ही इज द फॉलोज इमोशनल हार्ट. मोस्ट ऑफ थीव्स और हिज पार्टनर्स के अंदर आपको कोल्डनेस कहीं ना कहीं तो देखने को मिली जाएगी चाहे एवी के एटीट्यूड में हो या लॉरेंट के स्मूथ नेचर के स्माइल. एडमोरा सिर्फ अपने टारगेट से ही झूठ बोलता है और इसके इमोशंस ही ज्यादातर इसके एक्शंस को ड्राइव करते हैं. एडमोरा जो बिलीव करता है वही करता है. पर एनिमे में आपको एडमोरा के पर्सनल स्टोरीज क्या समय तक नहीं देखने को मिलेगा. ऑल्दो स्टिल आई डोंट लाइक एडवर्ड. एनिमे का बैकग्राउंड आर्ट काफी गॉर्जियस है. जैसा एनिमेशन हम ओपनिंग सॉन्ग में देखते हैं ठीक उसी तरह एनिमे के एनिमेशन में भी हमें देखने को मिलता है जो कि काफी ब्यूटीफुल है और ये काम स्टूडियो ने किया है. और अगर आप ओपनिंग सॉन्ग पे ध्यान देते हैं जो असल में पूरे शो को स्पॉइल करता है की मूवमेंट्स ऑफ एंटायर शो. बाय द वे ओपनिंग सॉन्ग लेट क्वीन सिंगर फ्रेडी मर्करी द्वारा गाया गया है दी ग्रेट प्रिटेंडर जो कि सॉन्ग का नाम है और इस सॉन्ग को एनिमे में इंक्लूड किया है. और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी एनिमे में ऐसा थीम सॉन्ग मर्करी के सॉन्ग को यूज किया हो. मैं आपको कॉन्फिडेंटली इस एनिमे को रिकमेंड कर सकता हूँ और परहैप्स एनिमे आपको एक अलग ही एंगल दिखा है और इवन समथिंग स्पेशल. दिस शो इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट. और एनिमे की रेटिंग 8.3 है. तो जाइए इस एनिमे को देखिए और आपको वीडियो में देख के कहीं भी मजा आया अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है. वीडियो को लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब मारिए. सो वॉच मोर एनिमे अंटिल देन आर सायोनारा.